गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। हमारे करंट अफेयर एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखेंगे 18 अप्रैल 2019 के कौन कौन से करंट अफेयर हमारे परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसी के साथ हम एक इम्पोर्टेंट इश्यू डिस्कस करेंगे जो चुनाव के दौरान बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। तो इसकी डिटेल में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री था या नहीं था, क्या इशू था, जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी वो कब बनी थी, संविधान सभा ने क्या प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया था, जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट में एक रिट याचिका भी लगी थी 2015 में, उसका डिसीजन आया था, उसका फाइनल डिसीजन क्या रहा, और फिर सरकार ने इसमें कौन से संविधान संशोधन के तहत प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया था। क्योंकि अभी चुनाव के हाल ही के मौसम में ये डिमांड बार बार आई है विपक्षी दलों के द्वारा कि प्रधानमंत्री बनाओ, और सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स अपन चुनाव के माहौल के हिसाब से नहीं, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से फैक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हम इस लेक्चर सीरीज़ के दौरान डिटेल में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले 878 वैल्यूबल सब्सक्राइबर का बहुत बहुत आभार, और वी विल होप कि आपका प्यार और उत्साह इसी तरह से बना रहेगा और हमारे मिशन से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि गोडाउन या GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडाउन, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसके संबंध में क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि अभी एक हाल ही में एक सर्वे किया गया और उसमें बताया गया कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है या हमारे जैसलमेर के अंदर, विशेषकर जैसलमेर बाड़मेर जिले में फैला हुआ है, उसके अंदर 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गोडाउन है। तो अपनों को ये देखना है कि भाई गोडाउन की स्थिति क्या है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है उससे संबंधित, और इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडाउन पाए जाते हैं। ठीक है, गोडाउन पहली बात तो जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की जो रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक है, उसके अंदर किस में लुप्त प्राय जाति यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में ये रजिस्टर्ड है या लिस्टेड है, कि क्रिकेट इसको बहुत ज़्यादा गंभीर खतरा है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में रजिस्टर्ड है रेड डाटा बुक इसकी IUCN की। इसके अलावा ये राजस्थान के अलावा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में भी ये गोंडावन पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर। इस गोंडावन की बात करें तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की जो अनुसूची है, उस अनुसूची में 6 अनुसूची है, उसमें कौन से अनुसूची में रखा गया है? तो पहली अनुसूची में जिसमें सबसे ज़्यादा खतराग्रस्त जीव रखे हैं उसी में इसको रखा गया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एक अनुसूची है CITES, ठीक है, CITES की कौन सी परिशिष्ट में इसको रखा गया है? फर्स्ट के अंदर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में मोस्टली राजस्थान के अंदर चलाया गया, तो किसके द्वारा चलाया गया था? जो पर्यावरण और वन मंत्रालय उसके द्वारा ये रिकवरी प्रोग्राम के तहत चलाया गया था कि भाई इसके जो वन्य आवास है उनको रिकवर किया जाए और इसका विलुप्त होने से बचाया जा सके। राजस्थान के अलावा ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो दो सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, एक तो रोलपाड़ सेंचुरी जो आंध्र प्रदेश में, और एक करेरा सेंचुरी मध्य प्रदेश में। तो हमें ध्यान रखना है कि करेरा सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर भी गोंडावन पाए जाते हैं, और इसके अलावा रोलपाड़ वन्य जीव सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर भी गोंडावन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अगली न्यूज है वो क्या है कि बारिश का मौसम है, तूफान भी आ रहे हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है फसलों को। तो इसी के परस्पेक्टिव में जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग है, उसकी एक वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट आई है, मौसम से संबंधित भविष्यवाणी आई कि बारिश कितनी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि 96% बारिश रहेगी। तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हम कवर करेंगे कि भाई ये वेदर फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। तो हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है, पहली बात तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में ना करके हमारे जो अर्थ मिनिस्ट्री है, पृथ्वी मंत्रालय, उसके अंडर में ये हमारा मौसम विभाग आता है। ठीक है, और इन्होंने अपनी लॉन्ग पीरियड एवरेज, लंबी अवधि के औसत के संदर्भ में बताया, लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है अभी देखेंगे कि भाई 96% बारिश इसमें होगी। कितनी परसेंट होगी? 96% बारिश इसके अंदर होगी। अब हमारा जो LPA है, लॉन्ग पीरियड एवरेज, लंबी अवधि का औसत, वो कितना माना जाता है देश का? 89 सेंटीमीटर है लॉन्ग पीरियड एवरेज। अब ये लॉन्ग पीरियड एवरेज कैसे गणना करते हैं कि भाई जून से सितंबर महीने में जो बारिश के मौसम होते हैं किसी भी देश के, तो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या कर रहा है कि किसी भी देश के अंदर जो बारिश के महीने, हमारे इंडिया के अंदर कौन से? जून और सितंबर महीने, उनके 50 साल का जो एवरेज होता है वो उस कंट्री का लंबी अवधि का औसत कहलाता है, LPA कहलाता है। यानी कि भारत के अंदर 1951 से 2000 की अवधि का जो 50 साल की जो मानसून हुई है जून से सितंबर के बीच, उसका जो औसत है उसको क्या बोलते हैं? लंबी अवधि का औसत बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मात्रात्मक वर्षा देखे जाते हैं और उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इस बार का पूर्वानुमान 96% है।
अब क्या है कि इस आधार पर ये क्लासिफाई करते हैं कि भाई बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी या फिर कैसा रहेगा, सामान्य रहेगी, तो उससे संबंधित क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा वो भी देखेंगे। इसके अलावा लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है, लंबी अवधि का औसत है, वो इंडिया के अंदर वैसे तो ओवरऑल 89 है, लेकिन ये फ्लैक्चुएट करता है। जैसे कि मान लो वेस्ट राजस्थान के अंदर कम होगा तो कितना फ्लैक्चुएट करता है, 71 से लेकर के 143 तक ये फ्लैक्चुएट करता है। इसके अलावा अब इस एलपीए के आधार पर 5 वर्षा वितरण श्रेणियों के अंदर बांटा है इंडिया को। 5 वर्षा वितरण श्रेणियों के आधार पर क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि बारिश की स्थिति कैसी रही। इसमें सबसे पहले यदि एलपीए का 10% कम बारिश होती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल या नियर नॉर्मल, यानी कि 10% ज़्यादा हो या 10% कम हो तो उसको बोलेंगे नॉर्मल या नियर नॉर्मल। इसके अलावा यदि 10% से कम है तो फिर उसको बोलेंगे 10% से कम, तो उसको बोलेंगे यानी कि 90 से 96% है एलपीए का, तो बिलो नॉर्मल बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, नीचे सामान्य 90 से 96% है, तो अभी 96 है तो ये एवरेज के आसपास इसको बोल सकते हैं। एवरेज से ऊपर कब बोलेंगे, नॉर्मल से ऊपर कब बोलेंगे, जब 104 या 110%, यानी कि एलपीए का क्या हो, 104 या 110% हो, तो इसको बोलेंगे बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। और ये कब कम बोलेंगे, जब एलपीए के 90% से कम हो तो उसको बोलेंगे बिलो नॉर्मल। और यदि इसको ज़्यादा कल बोलेंगे कि भाई बाढ़ जैसी कंडीशन आ जाएगी अतिरिक्त, तो 110, तो 110% से ज़्यादा है यदि एलपीए का लॉन्ग पीरियड एवरेज का, तो उसको बोलेंगे बाढ़ जैसी स्थिति या बहुत ज़्यादा। यदि 90 से कम है तो उसको बोलेंगे ड्रोट, यानी कि भाई सूखा पड़ गया। इसके अलावा सामान्य रूप से ऊपर का बोलेंगे 104 से 110% एलपीए का, और बिलो का बोलेंगे 10%, यानी कि 90 से और 96 के बीच में है तो वो नियर अबाउट, यानी कि सामान्य के आसपास, और 96 से 104% के बीच में है तो इसको बोलेंगे कि भाई बिल्कुल सामान्य बारिश है। तो सामान्य बारिश कब मानी जाती है इंडिया के अंदर, 96 से 104% हो किसका, एलपीए को। और एलपीए अपन ने बता दिया क्या होता है, एलपीए होता है 50 साल का एवरेज जून से सितंबर महीने की बारिश का। नेक्स्ट वन है क्या, अभी एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जो सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग है, डीआईपीए है, उसके द्वारा कि नॉन कोर एसेट। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि नॉन कोर एसेट क्या होते हैं, ये काम आ सकते हैं मैनेजमेंट के पोर्शन में, स्पेशली आ रहे स्टूडेंट्स के अंदर। नॉन कोर एसेट वो होते हैं जो किसी कंपनी के व्यवसाय संचालन में वो अब उपयोगी नहीं रहे, किसी कंपनी के व्यवसाय संचालन में वो अब उपयोगी नहीं रहे, और इनको कंपनी की पूंजी बढ़ाने के लिए, कंपनी का जो पैसा बढ़ाने के लिए इनको बेचा जा सकता है, उनको बोलते हैं नॉन कोर एसेट। और ये जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके एसेट भी नॉन कोर एसेट में गिने जा सकते हैं। लेकिन इसमें चुनौती ये मानी जाती है कि एक कंपनी के लिए जो नॉन कोर एसेट बन गया है, यानी कि उसका कंपनी के लिए कोई उपयोग नहीं रहा, वो दूसरी कंपनी के लिए कोर एसेट हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट ये चलता है। इसके अलावा एक जाति चर्चा में है उइगुर, तो उइगुर अपने को ध्यान रखना, उइगुर क्या है, एथनिसिटी है किसकी, मुसलमान की, और जनरली कहाँ पाए जाते हैं, चाइना के अंदर पाए जाते हैं उइगुर। वहाँ पर थोड़ा सा दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस हैं, तो उइगुर अपने को ध्यान रखना कहाँ पर, चाइना में, और कौन सी कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी ये है। इसके अलावा जो हमारा तटरक्षक बल है उसको एक नया गश्ती जहाज दिया गया है, वीरा। तो वीरा क्या है, एक गश्ती जहाज है, किसको दिया गया, हमारे तटरक्षक बल को। इसकी खास बात क्या है कि ये मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाया गया पहला जहाज, और कहाँ पर ये बनाया गया, चेन्नई के अंदर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, वीरा चेन्नई के अंदर ये बनाया गया है। इसके अलावा जो हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने ये हमारे एनवायरमेंट के अंदर कोट करने में काम आ सकते हैं कि भाई जो नदियां हैं देश के अंदर, जो 350 ज़्यादा नदियां प्रदूषण की शिकार हो रही हैं, उनकी निगरानी के लिए एक और एक राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए और उसको लागू इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। और इस कमेटी के अंदर कौन कौन है, एक नीति आयोग है, इसके अलावा जो हमारे जल संसाधन मंत्रालय है उसके मंत्री, इसके शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, सॉरी जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव। इसके अलावा जो गंगा क्लीन मिशन का जो डीजी है महानिदेशक, वो भी इसका सदस्य। और इसके अलावा जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष, सीपीसीबी का अध्यक्ष, तो सीपीसीबी का अध्यक्ष क्या है, इसका नोडल एजेंसी होगा, समन्वयक होगा किसका, जो ये कमेटी बनाई गई है रिवर पोल्यूशन से, नदियों के प्रदूषण से निपटने के लिए। इसके अलावा किस किसके सचिव होंगे, आवास मंत्रालय के, पर्यावरण मंत्रालय के और जल संसाधन मंत्रालय के, और गंगा जो मिशन है उसका डीजी इसके क्या होंगे, सदस्य। और इसके अलावा नीति आयोग भी इसमें शामिल होगा, तो ये अपने को कोट करने में काम आ सकता है। एनजीटी ने हाल ही में नदियों के प्रदूषण सुधार करने के लिए
एक विशिष्ट कदम उठाए। इसके अलावा एक मोटर व्हीकल एक्ट है कि भाई चार देशों के बीच में जो मोटर व्हीकल हैं वो आपस में एक देश में रजिस्ट्रेशन तो इजीली फ्रीली मूव कर सकें। इसके लिए 2015 के अंदर एक समझौता हुआ था और उस समझौते को बोलते हैं BBIN। चार देशों के नाम पर यह है, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, आई फॉर इंडिया और एन फॉर नेपाल। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में मोटर व्हीकल एक्ट समझौता हुआ था 2015 में, लेकिन भूटान ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया था। तो भूटान अब इसको रेटिफाई करने जा रहा है, यानी कि इसको मंजूरी देने की अपने संसद के अंदर रखने जा रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है कि कौन से देश ने अभी तक BBIN को रेटिफाई नहीं किया था, तो भूटान ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के संविधान के बारे में कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री का पद था या नहीं था। तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, ये हम सबको पता है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर अलग संविधान है और इसके निर्माण की प्रक्रिया 1951 में शुरू हुई थी और ये बनकर के तैयार हो गया था 17 नवंबर 1956 को। जैसे हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसी तरह से 17 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1957 को। इसके अंदर क्या है कि दो पद थे, एक तो इसके अंदर इस संविधान के अंदर बताया गया कि भाई प्रधानमंत्री होगा जम्मू कश्मीर का, इसके अलावा राज्यपाल की जगह इसमें प्रावधान था संविधान में सदर ए रियासत होगा। राज्यपाल की जगह कौन होगा, सदर ए रियासत होगा, यह प्रावधान इसके अंदर किया गया था। प्रधानमंत्री होगा मुख्यमंत्री की जगह और सदर ए रियासत होगा किसकी जगह, राज्यपाल की जगह। ये सदर ए रियासत कैसे नियुक्त किया जाएगा कि सदर ए रियासत वही व्यक्ति बन सकता है जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी हो, और ये किसके द्वारा चुना जाएगा, विधानसभा के द्वारा चुना जाएगा, और फिर इसके जो राष्ट्रपति वो इसको मंजूरी देगी। ये ओरिजिनल प्रावधान था 26 जनवरी 1957। अब क्या हुआ कि 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर छठा संविधान संशोधन लाया गया जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके अंदर जो प्रधानमंत्री के पद को तो मुख्यमंत्री से बदल दिया गया कि भाई प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री होगा, भारत का प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो सदर रियासत है तो उसको पद को किससे बदल दिया गया, राज्यपाल से बदल दिया गया। ठीक है, अब अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री सर अल्बियन बनर्जी थे, ए बनर्जी थे जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री, जो महाराजा हरी सिंह के द्वारा 1927 में नियुक्त किए गए। तो पूछा जा सकता है पहला प्रधानमंत्री कौन था, ए बनर्जी थे। ठीक है, अब क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक धारा है, धारा 147 जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर एक धारा 147 है, जिसके तहत ये है कि भाई सदर ए रियासत सदन के दो तिहाई बहुमत यदि दे तब इस पद को बदला जा सकता है। सदर ए रियासत ही बदल सकती, विधानसभा इसको नहीं बदल सकती, और इसके अलावा भारत के संविधान का कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं हो सकता यदि वो इसके संविधान में कोई फेरबदल करता है। तो ये धारा 147 कहती है, लेकिन ये 1965 में छठे संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा ने इसको हटा दिया, किसको, प्रधानमंत्री और सदर रियासत के पद को, जबकि 147 के हिसाब से सदर रियासत दो तिहाई बहुमत के आधार पर इसको हटा सकते हैं। तो इसको चैलेंज किया गया था फिर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में, तो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने 2015 में डिसीजन दिया कि भाई ये जो बदले गए हैं छठे संविधान संशोधन द्वारा 1965 में प्रधानमंत्री और सदर रियासत का जो पद होता था जम्मू कश्मीर में, उसको मुख्यमंत्री और गवर्नर के रूप में बदल दिया गया था, वो असंवैधानिक है और वो पहली वाली स्थिति सही है। उन्होंने कहा कि भाई क्यों, क्योंकि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित होता है, एक तरह से अपॉइंट होता है, जबकि विधानसभा के द्वारा वो चुना जाता था सदर रियासत, तो वो जम्मू कश्मीर का जो बेसिक फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर संवैधानिक ढांचा के अनुकूल थी और यह संवैधानिक ढांचा के विपरीत। हालांकि यह विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है भाई पहले जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर 26 जनवरी 1957 को क्या माना गया था कि भाई एक प्रधानमंत्री होगा, ए बनर्जी पहले 1927 में प्रधानमंत्री थे जो पहले प्रधानमंत्री थे, और इसके अलावा राज्यपाल की जगह सदर रियासत होगा, और 1965 में इसको छठे हुए संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर के छठे हुए संविधान संशोधन के द्वारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल में बदल दिया गया था। तो ये पहले वाली बात है, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर वाले अलग बोल रहे हैं, इस तरह के जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं वो नहीं, हमारे लिए काम की बातें नहीं है इसके अंदर है। आज के सवाल कौन कौन से होंगे, पहला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का पहले प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरा जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, BBIN मोटर व्हीकल एक्ट को अभी तक कौन से देश ने रेटिफाई नहीं किया, BBIN मोटर व्हीकल एक्ट को अभी तक कौन से देश ने रेटिफाई नहीं किया है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसके प्रदूषण के लिए एक कमेटी का गठन किया है, किसके प्रदूषण से निपटने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। होप सो यू रेस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस।